टिकट मांगने से पहले सब लोग एक दूसरे प्रतिनिधि होते हैं, होते भी पहले भी होते आए हैं। लेकिन आज भाटी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी तो सबसे बात हो रही होगी लेकिन मेरी भी सबसे बात हो रही है। मैं घर पर लेटा हुआ था लेकिन एक मिनट भी ऐसा नहीं रहा मैंने पार्टी के लिए काम नहीं किया। सब लोग आपके साथ हैं और हर तरीके से आपको लोग सब लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। और कुनबा हमारा इतना बढ़ चुका है, बहुत बहुत बड़े लोग हमारे साथ आ चुके हैं। आदरणीय गजराज चेयरमैन साहब आ चुके हैं, डॉक्टर साहब आ चुके हैं, सुनील भाई आ चुके हैं, पूर्व बार अध्यक्ष जी आ चुके हैं। मैं तो ये कहता हूं, अब सुनामी चल चुकी है, अब आपने ये देखना है, जीत हमारी निश्चित है, अब ये देखना है कि जीत हमारी कितने अंतर से होगी। पूरा कार्यकर्ता आपके साथ है और हर बूथ का कार्यकर्ता आज यहां बैठा हुआ है। और मैं सबसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि आज सबको जिसकी जहां की कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, आपके व्हाट्सएप पे आपकी जिम्मेदारी आपको दे दी जाएगी। हर आदमी अपने अपने बूथ पर काम करेगा या जहां की जिम्मेदारी उसको दी जाएगी वहां काम करेगा। मेरी सब लोगों से निवेदन है कि ऐसा ना हो कि मुझे जानते पल्ला में है, मैं पहुंच जाऊं प्यावली में, मुझे पल्ला में ही काम करना चाहिए। अगर जिसका जहां वजन हो और जिसकी जहां पर बात में दम हो और जो जहां से अपनी वोट ला सकता हो उस आदमी को वहां पर काम करना है। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और मैं आपको एक आशा और विश्वास दिलाता हूं कि टॉप 10 बूथ जो जीतेगा, उस टॉप 10 बूथ को जीतने वाले लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ जाकर सम्मानित किया जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। कल ही मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और जो कुछ बातें हुई वो कोई बाद में शेयर करेंगे। उन्होंने मुझसे एक ही शब्द कहा अखिलेश जी ने, जाइए राजकुमार भाटी को जिता गाइए जब हम आपसे बात करेंगे। पूरी प्रयास करें, प्रयास नहीं जिताना। तो मुझे पहले भी मैं देख रहा था, अब भी देख रहा हूँ कि क्षेत्र में मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है कि रोजाना नए नए लोग 10-5 तो मिलते हैं डेली, जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं। लेकिन इस बार ये आवाज है कि माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लोग तो कह रहे हैं ये लोकसभा का भी सेमीफाइनल है, मैं ये सच मानता हूँ। अगर यहाँ ये सेमीफाइनल में सब विजयी हुए हम सब लोग, तो लोकसभा भी आप ही की हो। लोकसभा भी ये मत मान लो बात मुद्दा है, लोकसभा भी, लोकसभा के जो सदस्य होंगे 2024 में वो भी समाजवादी पार्टी का, उसमें काफ़ी वर्चस्व होगा। मैं बहुत ज़्यादा लंबा भाषण यहाँ नहीं दूंगा कि सब लोग बहुत देर से बैठे, मैं लेट आया इसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। हम सब लोग मिलके ये माने, सभी लोग हमारे भाई गजराज सिंह जी बैठे हैं, तो हर एक आदमी ये समझेगा मैं राजकुमार भाटी हूँ और मुझे राजकुमार भाटी बन के ही चुनाव लड़ना है, तो निश्चित तौर पर हम विजयी होंगे। और मुझे ऐसा आभास भी नज़र आ रहा है कि इस बार जो वकील साहब ने संकेत दिया, इस बार ऐसा होने जा रहा है। और मैं तो समझता हूँ ये तो है ही, जेवर में भी हम जीतने जा रहे हैं, ये भी हमारा बिल्कुल। कुछ लोग हम छपरौला से लेकर के और कॉलोनियों में घूमे साथियों, मुहित बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी, इतना पॉजिटिव सपा का मामला है, मेरी सोच से भी ज्यादा है, बड़ा कमाल हो गया। आपको यकीन करना पड़ेगा, अगर हमारी कमी रही हम उन तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि देहात में तो हमें जानने वाला हमसे झूठ बोल सकता है, अब भैया ना तुम्हारी वोट देंगे, लेकिन वो मेरे परिचित नहीं थे, वो बड़े 90% लोग आपके साथ, जो 10 से 12-14 हजार रुपए तनख्वाह ले रहा है वो इतना परेशान है, इतना परेशान है महंगाई से, मोटरसाइकिल दिखा रहा है एक तो भैया तेल कहां से भरे इसमें, लेडीज सिलेंडर के लिए कह रही है 1000 रुपए के सिलेंडर कैसे लाए। वास्तव में आप अब मेहनत कर लो, टाइम बचा नहीं, मैं तो एक कसम खा रहा हूं और आप भी खा लीजिए, क्योंकि एक ध्यान है मेरे, हमारी सत्ता चल रही थी बसपा में थे जब, तो मैंने सिफारिश करी एक सीओ से, मरी भैया इसे सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे घर में पढ़ोगे, एक एक आदमी कसम खा लो हाथ उठा के, ईमानदारी से कसम खा लो, अरे मैं भी कसम खा रहा हूँ साथ में, कभी सोचते हो हमें तो कसम खा रहा है, अपने आप अंदर आराम ना करे, कसम खा लो एक एक आदमी सुबह 6 बजे, और आप क्षेत्र में निकल जाओ,
आप जो है आप कर लो, राजकुमार भाटी जी को नहीं देख रहे आपको। अगर राजकुमार भाटी जी हमारा चेहरा देख रहे हैं, नहीं देख रहे, कोई जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं दिखाता इन्हें अपना चेहरा। मैं सोच रहा हूं मैं इन्हें ना देखूं, मैं अपने हिसाब से काम करूं और आपको नहीं मिलेगा। ये रहे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत। देखो ऐसे लोग हैं, हम लोग गए सुमित भाई, कमाल कर दिया। मतलब अपना पैसा खर्च करते हैं, हमें सम्मान देते हैं और इतनी मन से दिल से काम कर रहे हैं, वास्तव में मन खुश होता है। और एक बात बता दूं मैं आपको साथियों, हमारे महेश भाई हमारे गुरु जी भी हैं। वास्तव में पार्टी के लिए काम किया, हमने भी बहुत मेहनत की है। एक मैं आपको बात बता दूं, जो सरकार आती है तो हमारे लोग तो रह जाते हैं, ये 50-60-100 लोग ऐसे वही घेर ले लेता है। तो हम ये कह रहे हैं आपसे, हम उस चक्कर के आदमी नहीं है, हम किसी के घेराव में नहीं आएंगे। और मैं आपसे ये बता रहा हूं, एक एक पार्टी के कार्यकर्ता का काम ईमानदारी से काम बता देना, करवाना हमारा भाटी जी, जितने भी हमारे अध्यक्ष जी या सीनियर हमारे सीनियर नेता है, काम करवाना हमारा काम ईमानदारी से करें। आपका हर काम होगा देखना आप, आपकी जिले में ना सुने हमारी जिम्मेवारी है, हम सुनवा के दिखाएंगे कैसे ना सुने। लेवल से लेकर बड़े कार्यकर्ता का काम, एक काम ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे मेरा काम नहीं हुआ, हर कीमत में काम होगा आपका। लेकिन बड़ी जिम्मेवारी बहुत बड़ी ये भी है, हम अगर ये सीट नहीं जीत पाए तो ईमानदारी से अधूरे रह जाएंगे, ईमानदारी से अधूरे रह जाएंगे, मानना पड़ेगा आपको। इसे दिल से मेहनत करके एक एक बच्चा, कहीं आपकी जान पहचान है, कहीं आपकी दोस्ती है, कहीं कहीं भी, और अपने अपने तरीके से 3-4-5 की टीम बना लो, 5 की टीम बना लो। और मैं तो ये भी कहूंगा अध्यक्ष जी या सब, और अपने तरीके से बना ले, जरूरी नहीं है अध्यक्ष जी टीम बना के दे, अपने तरीके, लेकिन पता चल जाता जब पोस्ट डालोगे, मेहनत करोगे और सुबह से शाम तक ये काम कर दो, सीट आपकी 100% जीते पड़े, 100% कहीं कोई। और आज आपका ऐसा माहौल है, ऐसा जन सैलाब है, ऐसा जन समर्थन है, और उसके दो कारण हैं। हमें ये गलतफहमी नहीं रहना चाहिए कि कोई हमारी वजह से है, या ये माननीय अखिलेश यादव जी की जो शानदार, जो उनका व्यक्तित्व है और उनका जो शानदार व्यवहार है और जो उनकी शानदार सोच है,